मैच को है कॉर्नर वीडियो लेकर दोस्तों आज बात करेंगे सभी ऑल जोन के बारे में कि ऑल जोन की जो 19-20 की भर्तियां जारी कर दी गई हैं उनकी हमारे पास लिस्ट पहुंच गई है। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से जुंट से भर्ती निकल कर आई है और इसमें कौन कौन जा सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं जोन बन की। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों बात कर लेते हैं जोन बन की। तो जोन बन की 102 की जो 102 कालका में है, जो चंडीगढ़ में है, इसकी भर्ती जारी कर दी गई है। इसकी भी भर्ती 17 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक चलेगी। 103 की भी 17 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक चलेगी। 150 की भी 17 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक चलेगी। दोस्तों इसमें आप तीनों में से किसी में भी जा सकते हो। अगर आप जोन बन से हो, जोन बन चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सभी जोन बन से आते हैं जे एंड के, और चंडीगढ़ भी जे एंड के भी जोन बन में आते हैं, आप इसमें किसी में भी जा सकते हो 17 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक। दोस्तों बात कर लेते हैं जोन बांड की एक और जुट की, बांड 57 की, जो सिर्फ जेएनके के लिए है। इसमें सिर्फ जेएनके के रियासी वगैरह, डोडा, जम्मू कश्मीर के सभी जो जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए है। और 160 की भी सिर्फ जेएनके के लिए है, और 161 की भी जेएनके के लिए है, और 162 की भी जेएनके के लिए है। इसमें आप अगर हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से हो, अगर आप इसमें नहीं जा पाओगे। दोस्तों आप बात कर लेते हैं 163 की, जे भी दिल्ली, सॉरी, जे भी जेएनके के लिए, अगर आप दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ से हो, इसमें भी आप नहीं जा पाओगे। अब बात कर लेते हैं जोन टू की। जोन टू की कौन कौन सी भर्ती आई है, दोस्तों बता दूं 153 की भी जोन टू की भर्तियां आ चुकी है। आपकी जो डेट है शुरू 14 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक चलेगी। 120 की भी यही डेट है। दोस्तों जोन बन की बात करें तो जोन बन की 107 की भी भर्ती आ चुकी है, जे भी 14 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक चलेगी। जोन बन के लिए सिर्फ एक ही भर्ती, जोन थ्री के लिए सिर्फ एक ही भर्ती आई है। अब बात करते हैं जोन फोर की। तो जोन फोर के लिए 115, 116, 125 की भी भर्ती आ चुकी है। इसमें आप 30 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर तक जा सकते हैं। और 172 के लिए, तो इसके लिए आप 15 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।